हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लर्नओविट के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पार्ट नंबर क्या देखेंगे, 10। पार्ट नंबर 10 में आप देख पा रहे होंगे कौन सा फंक्शन, वन वन ऑन टू हमने लास्ट पार्ट में सीखा था, आज हम सीखेंगे ऑन टू, जिसे सर्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है या फिर सर्जेक्शन भी बोलते हैं। बोलो हाँ हाँ। अब जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे क्या कि मैं इनको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, एक एक बात को समझाऊंगा, देखते चलना। अगर आपको लगता है कि कौन कौन से मैं क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है आपको आते हैं तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, एक भी क्वेश्चन मत देखना चाहे, वरना मैं तो टाइम लेके ही आपको समझाऊंगा, बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप एक एक बारीकियों में जा पाए, क्योंकि डेफिनेशंस भी समझनी है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्या कि ये चारों क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो एक बार ट्राई करते चलो। सबसे पहले अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, पार्ट नंबर 9 में हमने 1-1 on 2 सीखा, 1-1 सीखा था बस, और उसके भी एग्जांपल्स देखे थे, वो एग्जांपल्स ये थे। अगर आपने पार्ट नंबर 9 नहीं देखा है तो पहले उसे देखो फिर देखो, ठीक है, वरना क्या है कि मैं मैच नहीं करा पाऊंगा दोनों बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, देसी लैंग्वेज बात करी जाए, हमारे सामने हर क्वेश्चन में दो सेट देता है अगर आपको पता हो, जैसा कि आपको दो गोलों में दिख रहा होगा। पहले इसे समझना बहुत जरूरी है, ए सेट और बी सेट, ए सेट और बी सेट। ए सेट से कोई लेना देना नहीं है ऑन टू के केस में, जो सेट बी होगा, सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए, ईच एंड एवरी कोडोमिन हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट बी। कैसे, लाइक दिस, ध्यान दीजिएगा, ये 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 क्या ये है ऑन टू ये फंक्शन है। पर अगर मैं बात करता हूं दिस 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 दिस, दिख रहा है ए टू बी, पर ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है नॉट ऑन टू, क्लियर है। सेट बी के अंदर देखो जरा, दिख रहा है बेटा, सेट बी के अंदर ए है बी है, जो बी वाला सेट है दिस, जो मैं रेड मार्क करके आपको समझा देता हूं, ये वाला पोर्शन, ये ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है सेट बी का वो खाली दिख रहा होगा आपको, और जब भी सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है तो वो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऑन टू किसे बोलते हैं, ईच एंड एवरी कोडोमेन हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन। देसी लैंग्वेज में बात करी जाए, सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली रहना नहीं चाहिए, इसी को ही याद रखिएगा आप अपने हो, इसलिए मैं ये लाइन लिख देता हूं, क्या सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। अगर वो फंक्शन है तो सेट बी से बात करी जाएगी, यानी अगर डेफिनेशन को प्रॉपरली पढ़ा जाए तो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ऑन एलिमेंट ए सच दैट एफ इज इक्वल टू बी, और यहां बोला जाए नॉट ऑन टू कब होगा, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी रिमेन अनमैच्ड, डन, देन फंक्शन इज कॉल्ड एन इन टू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, या तो उसे नॉट ऑन टू बोला जाता है या फिर उसे इन टू फंक्शन बोला जाता है, क्लियर है, बोलो हाँ, शाबाश। और लेट ए, इसी को एवरी एलिमेंट इन बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए, देन एफ फंक्शन इज सेट टू बी एन ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, क्लियर है, बोलो हाँ। चलिए बेटर होगा, आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए, पर उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं डिफाइन करना चाहूंगा। दिख रहा है बेटा, रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एन ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एन सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन। कभी कभी ये जो नाम दिख रहे हैं आपको सर्जेक्शन और सर्जेक्टिव, कन्फ्यूज मत होना, सर्जेक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन में भी बोथ ऑन टू और इन टू, यानी जो हमने लास्ट क्लास सीखा था उसमें क्या था, वन वन फंक्शन जो है ऑन टू से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो वन वन फंक्शन है वो ऑन टू हो भी सकता है और हो सकता है ना भी हो, ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए से हमेशा कम होंगे। खुद सोचो, नंबर ऑफ बी अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ ए से, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बन ही नहीं सकती कि बहुत सारों की एक, क्योंकि इसका मतलब एक दो से कनेक्ट हुआ होगा,
तो नंबर ऑफ बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा नंबर ऑफ ए से कम होंगे, नंबर ऑफ बी यानी कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो हमेशा कम होंगे। आप थोड़ा सोच के देखो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर एक एक से रिलेट करेगा अगर वन वन के अकॉर्डिंग, ठीक, तो क्या इधर से एक के दो बनेंगे क्या कभी? नहीं, जिसकी वजह से इधर के नंबर्स हमेशा कम होंगे एज कम्पेयर टू ए के। ये तो बहुत क्लियरिफिकेशन के साथ समझ लो। और लास्ट, अगर नंबर ऑफ ए में एम एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ बी में भी एम एलिमेंट्स हैं, तो हमारे को नंबर ऑफ पॉसिबल सर्जेक्टिव मैपिंग अगर बोलेगा तो सीधा बात है एम फैक्टोरियल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने कहा ये 1 2 3 1 2 3 है और इसमें मेरे को पॉसिबल वो बताने हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे, तो इसके टोटल बनेंगे कितने? 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज। ये क्लियर है? बोलो हाँ क्लियर। नेक्स्ट, अब बात आती है एक एक एग्जांपल से जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, बस आप अपने हो इसलिए पहले 2 एग्जांपल्स आपके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ, उन चारों क्वेश्चनों को अभी नहीं छेड़ रहा, कोशिश करेंगे वो 4 क्वेश्चंस आप पहले खुद करें, ठीक है, एक एक करके पहले समझना, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, मैं कहीं जा थोड़ी ना, आराम आराम से करेंगे। रेडी? सबसे पहले ये ए सेट है और ये मेरे लिए बी सेट है, नेचुरल टू इंटीजर्स, पहला क्वेश्चन, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन के केस में क्या करना, आप एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मानना, माना जो वाई आंसर होता है वो हमेशा, यानी कि जो डोमेन एक्स डोमेन को बिलोंग कर रहा है, ये समझना जरा, जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। पर जो आंसर आता है वो किसके अंदर बिलोंग करता है बेटा जी? बाद वाले सेट में ना, यानी वाई किसके अंदर से होना चाहिए? जेड में से, यानी वाई इंटीजर होगा अब हमेशा। ये बात समझते हो पहले? ठीक है, अब जरा समझो एफ एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर मैं कहूँ तो पहले इधर से इधर के फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ जिसे इन्वर्स बोलते हैं, पर वो इन्वर्स अभी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये हम आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे। अभी क्या करा, एक्स को खाली करा, रूट वाई आया, ठीक। इसका मतलब क्या है, इससे प्रेजेंटेशन क्या है कहती है, देखो इधर क्या है इंटीजर्स, इधर क्या है नेचुरल नंबर्स, क्या सारे इंटीजर्स रखने पे उनका रूट, इंटीजर्स रखने पे उनका रूट क्या नेचुरल नंबर्स है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे ये कहता हूँ वाई बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, देन क्या एक्स इज इक्वल टू जो रूट वाई है, यानी हर एक इंटीजर रखने पे एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए था? नेचुरल नंबर को। क्या नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो ये फंक्शन इज नॉट ऑन टू, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 इंटीजर है बट रूट टू जो कि एक्स है, और एक्स किस में से होना चाहिए था? नेचुरल नंबर में। क्या नेचुरल नंबर? नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, डन। बोलो हाँ। इसे एरो डायग्राम से समझते हैं एक मिनट के लिए बस। नेचुरल टू इंटीजर की बात हो रही है, अगर मैं बात करूँ आपसे 1 2 3 4 से इसकी स्टार्टिंग होगी, इसकी 0 से भी होगी, -1 -2 1 2 3 4 5 एंड बहुत सारे, 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का आंसर 4 आएगा, 3 का आंसर 9 आएगा, 4 का आंसर 16 आएगा। पर एक चीज़ बताओ, कोडोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे नहीं दिख रहे जो खाली हैं? कभी भी नेगेटिव की प्रीमेज तो बनेगी नहीं क्योंकि डोमेन से ही वो स्क्वायर होकर आ रही है, ठीक। तो ये ऑन टू नहीं है, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते थे। पर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपके लिए राइट हैंड साइड पे, इसे तसल्ली से समझिएगा, दिख रहा है? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या, अब केवल रियल नंबर्स हैं, सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ बेटा जी क्वेश्चन, है ना। मैंने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मानोगे? वाई मानोगे। वाई किस में से बिलोंग कराओगे आप? नेचुरल नंबर्स में से। और जो एक्स है, फॉर ऑल का सिंबल कहते हैं इसे, फॉर ऑल फॉर एवरी वेयर, तो x बिलोंग किसको करेगा? रियल को, ठीक। मतलब हर एक नेचुरल नंबर की वैल्यू जो है, हर एक नेचुरल नंबर का जो रूट है वो रियल नंबर होगा, ये तो चलो करके पता चलेगा हमें। सॉरी ठीक है, इसमें 0 को छोड़कर है, पहले ऐसे समझ लेना, ठीक है। और हर एक होगा नहीं, पर ना ये समझाने के लिए लिया है, प्लीज़ इसे ये मत सोचना कि ये तो फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिया है। क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, 2 मिनट के लिए समझते हैं जरा इस फंक्शन की खासियत। क्या अगर मैं ये कहता हूँ वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, देन वाई का जब भी रूट करूँगा जो एक्स आएगा, क्या किसी भी नेचुरल नंबर का रूट रियल नंबर होता है? होता है। सो फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि नाइदर के लिए एग्जाम्पल दिखाया जाता है, ऑन टू होने के लिए तो आपको एग्जाम्पल दिखा ही नहीं सकते। ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ। अब सुनो,
अगर आपको लगता है समझ नहीं आए हैं कोई बात नहीं, पर अगर लगता है कि थोड़े से समझ आ गए हैं तो ये चारों क्वेश्चंस दिख रहे हैं बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। मेरा कहना आप सभी से ये है, एक बार तसल्ली से कूल माइंड होके ट्राई तो करो, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन तो करके देखो, नहीं होगा तो अब मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। जब मैं बोला करूँ कि करो तो वीडियो को पॉज करो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? देख लिए सारे क्वेश्चंस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेटा आपको दिख रहा होगा हमारे को ऑन टू है या नहीं है ये बताना है पहले क्वेश्चन में, ठीक? चलिए सबसे पहले Z1 और Z2 सिर्फ समझाने के लिए दे दिया मैंने आपको। 3x+2 एक फंक्शन है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हमेशा, लेट fx इज इक्वल टू y, क्योंकि अगर मैं डोमेन रख के कोडोमेन में जाऊंगा, अगर इन शॉर्ट रेंज जो आएगी हर एक रेंज का आंसर होना चाहिए ना, मतलब इन शॉर्ट कोडोमेन खाली नहीं होना चाहिए। तो वेट, ये जो x था वो तो किस में से था, बाय डिफॉल्ट Z1 में से, पहला वाला इंटीजर यानी, और जो x वो आंसर जो आया निकल के y, तो y किस में से बिलोंग कराएगा बेटा, Z2 में से। ये क्लियर, जो आंसर आया है ये हमेशा इसमें से होता है और x की वैल्यू हमेशा पहले वाले में से होती है, इसको मैंने शुरू की वीडियोज में बताया है ना। फिर 3x+2 इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, y-2/3। सोच के बोलना, क्या हर एक इंटीजर रखने पे x भी इंटीजर आएगा? एग्जाम्पल समझते हैं, अगर y इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूं, ठीक है, यानी बिलोंग करना है ना इंटीजर को z2 को, बट क्या x इज इक्वल टू 1-2/3 इज इक्वल टू जो माइनस के 1/3 आया है, क्या ये बिलोंग कर रहा है z1 को? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर y बिलोंग करता है z2 को, देन x इज इक्वल टू जो आया है y-2/3 इज नॉट बिलोंग्स टू z1, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये समझ आया बेटा? देखो एक एक करके समझ आएगा, पहले ये क्लियर हुआ कैसे नेगलेक्ट करा है, एग्जाम्पल दिया है, क्लियर? क्योंकि हर एक इंटीजर को जो आंसर आ रहा था वो अलग आ रहा था, तो यहाँ पे हर एक पॉजिटिव, मतलब कई सारे ऐसे इंटीजर्स थे कोडोमेन में जिनकी प्रीमेज नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3 रखता तो 3 पे रखने पे आंसर क्या आता, 1/3, तो यानी कि इसकी जो 3 है इधर वो खाली रह जाएगा। कभी कभी जब आपको समझना आया करे ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है ज़रा, तो पहले 2 मिनट के लिए ऐसे मैंने कोई भी कुछ इंटीजर्स यहाँ पे लिख लिए 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे भी बहुत सारे लिख लिए 0, 1, 2, 3, नेगेटिव भी आते हैं -1, -2। 0 रखने पे क्या आंसर आएगा, हाँ आएगा 2 आएगा। 1 रखने पे क्या आएगा बेटा जी, 1 रखने पे 5 आएगा, पर इसका मतलब 3 रह गया 1 रह गया, बहुत सारे कोडोमेन में प्रीमेज रह रही है ना, तो समझ जाओ इसका मतलब हमारे ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। एग्जाम्पल से हम क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है? चलिए बेटर होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Example number 2, फंक्शन सच दैट रियल टू रियल fx इज इक्वल टू x²+2 फॉर ऑल x belongs to R, यानी रियल नंबर्स। अब सुनो, रियल टू रियल है, ये कह रहा है कि हर एक रियल नंबर का जो आंसर आ रहा है वो रियल नंबर में से ही होना चाहिए। समझाने के लिए सिर्फ R1, R2 है, दोनों रियल हैं। चलो मैं जान के रियल रियल लिखूँगा, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है? सबसे पहले लेट fx इज इक्वल टू x²+2, डन, जिसे क्या माना वाई, x²+2 इज इक्वल टू वाई तो था, x² इज इक्वल टू y-2, x इज इक्वल टू √y-2। अब कैसे जज करूं भैया, जब मानते हो, क्या बोला मैंने, जब मानते हो तो तुरंत बताओ कि ये y क्या है, y बिलोंग कर रहा है रियल में से, कौन सा वाला रियल, बाद वाला रियल, ये बात क्लियर है? और ये पहला वाला तो होना ही है, x बिलोंग्स टू रियल। अब अगर मैं ये कहूँ इफ y belongs to real number, तो therefore क्या कि x is equal to जो √y-2x, क्या सारे real numbers रखने पे, सारे real numbers रखने पे कि x belong करेगा real number को? सोच समझ के बोलना, देखो जल्दबाजी कुछ नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 3, या चलो मैं माइनस का लेता हूँ, कि -1 belong कर रहा है real number को, but x is equal to √-1-2 जो कि √-3 आया है, क्या ये बिलोंग करता है रियल नंबर को? नहीं, तो यानी कि ये बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल से आप दिखाएंगे उस चीज को, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू।
इसका मतलब फिर कैसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम ऑन टू शो करेंगे, आ रहे हैं एक एक करके। ये समझ आया पहले, बोलो हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो बेटा अगर आप नोटिस करो सेम सिनेरियो है, रियल नंबर्स है, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के टू इज इक्वल टू वाई माना। वाई किसके बिलोंग कराऊंगा, रियल नंबर्स में से। एक्स क्यूब प्लस टू इज इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू के होल की पावर वन बाई थ्री। क्या अगर मैं ये कहता हूँ y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, देन क्या x इज इक्वल टू जो y माइनस टू के होल की पावर वन बाई थ्री यानी क्यूब रूट। नेगेटिव रखूँगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। कोई ऐसी वैल्यू है जिसके बिहाफ में मैं ये कह सकूँ कि ये रियल नंबर नहीं होगा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा ही करेगा, और जब कर रहा होता है तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं है नेगलेक्ट करने का, जिसकी वजह से कह देंगे सो फंक्शन इज ऑन टू। अब सर ये कैसे हो गया, इसमें मैं शायद आपको ये कहूँ कि एक्सप्लेनेशन आपके लिए इसलिए दिक्कत देगा क्योंकि 1 बाई थ्री की पावर का थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। बेटर होगा इसे अगले एग्जांपल से बहुत सटीक वे में तसली समझे, जिसके लिए आप अभी तक तरस रहे थे, ठीक है। चलिए वाओ, क्वेश्चन नंबर फोर बेहतरीन तरीके से याद कराऊंगा, कई जगहों पर ऐसा लगेगा यार वाकई में याद हो गया। रेडी, बोलो हाँ। चलिए सबसे पहले क्या, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या माना हमने बेटा जी, y। क्लियर है, ये जो y है वो किसको बिलोंग कराऊंगा मैं, हमेशा माइनस नाइन से इन्फिनिटी यानी बाद वाले सेट में से। एंड जो x बिलोंग करेगा वो किस में से करेगा, रियल। मतलब कि माइनस नाइन से इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं कोई भी आंसर रखता हूँ रियल के केस में, हर एक की प्रीमेज होनी चाहिए। उसने इस बार बहुत अलग सी वैल्यू दी है, रियल रियल नहीं दिया, माइनस नाइन से इन्फिनिटी क्यों दिया है, कुछ तो रीजंस है ना उसके, देखते हैं एक बार। एफ एक्स को मैंने लिखा पहले 5x square plus के 6x minus 9 is equal to y। अब वेट, सबसे पहला स्टेप, दिक्कत ये x कैसे खाली करें भैया, पहले तो जो चीज राइट हैंड साइड जा सकते हो उसे भेजा, ये क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या, x square के साथ कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए। क्या बोला बेटा जी मैंने, x square के साथ कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो चाहे जबरदस्ती निकालनी पड़े। आया समझ, दोबारा से समझाता हूं बेटा। क्या बोला मैंने कि अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, फाइव है कॉमन निकालो, सर कॉमन तो आ ही नहीं रहा, जबरदस्ती कॉमन निकालो, प्लस के सिक्स बाय फाइव एक्स और कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट सब भाड़ में गए, सब मतलब राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस के सिक्स बाय फाइव एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस नाइन डिवाइड बाय फाइव। यहां तक कोई दिक्कत है? सेकंड स्टेप, एक्स का जो भी कोफिशियंट हो, क्या बोला बेटा जी मैंने, एक्स का जो भी कोफिशियंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर एड उसका स्क्वायर लेस करेंगे। क्या, एक्स का जो भी कोफिशियंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड उसका स्क्वायर लेस करेंगे, तो बैलेंस बनाया। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सिक्स बाय फाइव, सिक्स बाय फाइव का हाफ सोचो थ्री बाय फाइव, वेरी गुड। उसका स्क्वायर यहाँ ऐड करा और बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे ऐड करा, बोलो हाँ, क्लियर है, वेरी गुड। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जिसे लिख दो एक्स प्लस बी का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर y प्लस नाइन अपॉन फाइव प्लस के नाइन बाय ट्वेंटी फाइव। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो हाँ है दिक्कत, चलिए वेरी गुड। फिर x प्लस थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर y, अब यहाँ पे 25 जब मैं एलसीएम लूँगा तो 5y वाई नाइन फाइव या 45 प्लस के 9, जिसकी वजह से क्या आया, x प्लस थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर 5y प्लस के 54 डिवाइड बाई 25, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आप लिखेंगे टीचर के लिए ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक, जिसमें एक्स प्लस थ्री बाई फाइव की क्या है इक्वल टू में रूट फाइव वाई प्लस के 54 डिवाइड बाई फाइव का स्क्वायर, डन। जिसमें एक्स प्लस थ्री बाई फाइव इक्वल टू क्या आ गया, रूट फाइव वाई प्लस के 54 डिवाइड बाई फाइव। सबसे बड़े टास्क तो पहले ये बना था कि x कैसे खाली करेंगे, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा जब मैं 5y प्लस के 54 माइनस 3 डिवाइड बाई फाइव,
ये एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो बाद में आप खुद सोचो। ट्रिगो में होता था एक क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा बराबर क्या लिखते थे, साइन इनवर्स एक्स, याद है बेटा, इसलिए हमने इनवर्स ट्रिगो पहले देख ली। पर फिर भी नहीं पता तो ऐसा समझो, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर वाई है तो एक्स बराबर क्या लिखोगे सोचा जाए तो, एफ इनवर्स वाई ना, तो किसी भी एक्स को खाली करने का मतलब इनवर्स भी होता है। पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए आने वाले पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। पर अभी वेट, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है ये मैंने नहीं बताया, एक बार दोबारा से मैं सारी क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा सिर्फ सेकेंडों के लिए। सबसे पहले जो भी आप फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई मानोगे, तो जो वाई आया है वो वाई किस में से बिलोंग करना चाहिए, बाद वाले सेट में से, बोलो हाँ हाँ। फिर दूसरी चीज, फिर क्या करेंगे, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स जो भी था, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। सेकंड स्टेप, एक्स का जो भी कोफिशियंट हो, क्या बोला मैंने, एक्स का जो भी कोफिशियंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर एड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे को यह दिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, दिख रहा है, जिसमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जहां बना, स्क्वायर रूट करा, मर्ज करा, x की वैल्यू खाली हुई और x की वैल्यू खाली करते समय एक तरफ हो गया, x तो खाली हो गया, ठीक है, जिसे इनवर्स भी बोलते हैं जो हम अगले आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। पर मेरे पास ये रीजन क्लियर नहीं हुआ कि अगर अगर y बिलोंग कर रहा है माइनस नाइन से इन्फिनिटी के बीच में, देन x इज इक्वल टू रूट फाइव वाई प्लस के 54 माइनस के 3 डिवाइड बाई 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, ये कैसे मानूं मैं। तो वेट, इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका बनता है, अब खुद सोचो, अगर मैं माइनस नाइन ही रख के देखता हूं, ऐसे समझो माइनस नाइन, तो माइनस नाइन इंटू फाइव माइनस 45 और 45 54 में से जाएंगे तो कितना होगा, नाइन, नाइन का रूट 3 माइनस 5 3 माइनस 3 0, तो 0 रियल नंबर में आता है, बोलो हाँ। और इसके बाद मैं माइनस नाइन से बड़ी रख रहा हूं, बड़ी रख रहा हूं तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं जुड़ रहा है रूट में, और रूट में जुड़ने की वजह से जितना भी आंसर आएगा क्या वो रियल नंबर होगा या नहीं होगा, टेंशन हमारी तब होती कि वो इमेजिनरी बना रहा होता। एग्जांपल के तौर पे मैंने माइनस 10 ले लिया जबकि है नहीं, उसने रोका है खुद ही हमें, माइनस 10 लेने पे क्या आता भाई की वैल्यू, माइनस 50, 4 बचता, 4 का रूट 2 आता, 2 माइनस 3 नेगेटिव वैल्यू अटेन करता, बोलो हाँ, और वो भी रियल पॉजिटिव में बिलोंग करता फिर भी। पर अगर ये क्लियर कर जाए रियल पॉजिटिव होता तो हम क्या कह पा रहे हैं, सो फंक्शन इज ऑन टू, बोलो हाँ, क्योंकि ईच एंड एवरी कोडोमेन हैव एटलीस्ट वन प्री इमेजिन डोमेन। हमेशा अगर आपको कुछ ना समझ आया करे तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा ये डेफिनेशन सीधा सीधा चेप देना, जो पता चलेगी फंक्शन ऑन टू है, क्लियर, बोलो हाँ। चलिए आने वाले पार्ट में बेटा जी मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट नंबर 11 के अंदर रिलेशन फंक्शंस में 1-1 ऑन टू, यानी हम 9th पार्ट और 10th पार्ट का कॉम्बिनेशन सीखेंगे, उसी को बाइजेक्शन फंक्शन जिसे बोलते हैं। बाइजेक्शन फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, इसके पीछे रीजन है और वो रीजन मैं आपको 11वें पार्ट में ही बताऊंगा। फिर भी जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एक बार उस क्वेश्चंस की झलकियां देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि 1-1 ऑन टू आपको बहुत अच्छे से आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, फिर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन एक से एक है, है ना, तो बेटर होगा उसको देखें और तसल्ली से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पर कोशिश ये करा करो, जब बोला करो खुद से ट्राई करो तो पहले खुद से क्लियर, बोलो हाँ, थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी, इसीलिए आप अपने सारे दोस्तों में वीडियोस को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है ये बात हम सभी जानते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब इसलिए कर दें, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाने से जैसे जैसे रोज पार्ट आते जाएंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, आपको पता रहेगा कि कब कब क्या क्या मैं कराने जा रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।